नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको अवगत है, मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला का फेज 5 चल रहा है। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 6 के ई पाठशाला रजिस्टर के बारे में जानेंगे। इस वीडियो की मदद से आप तीसरा सप्ताह जो 19/7/2021 से 25/7/2021 तक चला, तीसरे सप्ताह के ई पाठशाला रजिस्टर को आप बना सकते हैं। इससे पहले प्रथम सप्ताह और द्वितीय सप्ताह की वीडियो मैं बना चुका हूं, उस वीडियो की मदद से आप प्रथम सप्ताह और द्वितीय सप्ताह का रजिस्टर पूरा कर सकते हैं। अगर आपको वो वीडियो नहीं मिली तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों वीडियो के लिंक आपको मिल जाएंगे, उन पर क्लिक करके आप प्रथम सप्ताह और द्वितीय सप्ताह का रजिस्टर पूरा कर लीजिए और इसके बाद तीसरे सप्ताह का रजिस्टर इस वीडियो की मदद से पूरा कर लीजिए। साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिले, तो उसके लिए मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इन्फॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कक्षा 6 के ई पाठशाला रजिस्टर के बारे में। कक्षा 6 का ई पाठशाला रजिस्टर आपने तैयार कर लिया होगा। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पेज आपका ई पाठशाला रजिस्टर का ये होता है, क्योंकि इससे संबंधित सूचनाएं आपको ई मेंटरिंग के दौरान आपसे पूछी जाती हैं। अगर आपके पास ये सूचनाएं सही हैं तो आपको ई मेंटरिंग में कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रत्येक सप्ताह में ये सूचनाएं आपकी रिवाइज होती हैं, क्योंकि कुछ छात्र स्मार्टफोन रख लेते हैं, कुछ के ख़त्म हो जाते हैं, कुछ व्हाट्सएप चलाने वाले छात्रों की संख्या बढ़ जाती है, दूरदर्शन देखने वाले छात्रों की संख्या बढ़ जाती है, तो प्रत्येक सप्ताह में आपको इसको रिवाइज करना होगा। पहला आपका कॉलम होगा कुल छात्र, कुल कितने छात्र हैं। दूसरा कॉलम होगा छात्र जिनके पास स्मार्टफोन है, ऐसे कितने छात्र हैं जिनके पास स्मार्टफोन है, वो संख्या आप यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद व्हाट्सएप के माध्यम से पढ़ने वाले छात्रों की संख्या, कितने छात्र ऐसे हैं जो व्हाट्सएप के माध्यम से पढ़ते हैं, वो संख्या आप यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद दूरदर्शन से पढ़ने वाले छात्रों की संख्या आप यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद दीक्षा ऐप डाउनलोड करने वाले छात्रों की संख्या को आपको यहाँ पे लिखना होगा। उसके बाद रीड अलोंग ऐप डाउनलोड करने वाले छात्रों की संख्या लिखेंगे। उसके बाद प्रेरणा ऐप डाउनलोड करने वाले छात्रों की संख्या लिखेंगे और सबसे लास्ट में प्रेरणा साथी रजिस्ट्रेशन की संख्या आप लिखेंगे, कितने प्रेरणा साथी का आपने रजिस्ट्रेशन किया, वो संख्या आप यहाँ पे लिख देंगे। प्रेरणा साथियों का मोबाइल नंबर आप लिख देंगे और कितने छात्रों को प्रेरणा साथी पढ़ा रहे हैं, वो संख्या आप यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद आता है आपका बहुत ही महत्वपूर्ण पेज कक्षा 6 का ई पाठशाला तीसरा सप्ताह, जो आपका 19 जुलाई से 25 जुलाई तक चला। इससे पहले प्रथम सप्ताह और द्वितीय सप्ताह आपका 5 जुलाई से 18 जुलाई तक चला, उसकी वीडियो मैंने बना चुका हूं। अगर आपको वीडियो नहीं मिली तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, उन पर क्लिक करके आप प्रथम सप्ताह और द्वितीय सप्ताह का रजिस्टर पूरा कर लीजिए और तीसरा सप्ताह का रजिस्टर आप इसकी मदद से पूरा कर सकते हैं। इसमें आपको कुछ कॉलम बनाने होंगे। सबसे पहले दिनांक, दूसरा कॉलम होगा दिन, तीसरा कॉलम होगा दूरदर्शन सामग्री DDUP, समय 11:30 बजे से 12 बजे तक। वैसे तो कक्षा 6 का समय 11:30 से 12 बजे है, लेकिन बीच बीच में किसी क्लास का अगर प्रोग्राम नहीं आता है तो प्रोग्राम आगे पीछे शिफ्ट हो जाते हैं, वो प्रोग्राम का समय मैंने इसमें लिखा हुआ है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी उस प्रोग्राम को लिखने में। इसके दो कॉलम बनाएंगे, विषय और टॉपिक। अगला कॉलम होगा आओ अंग्रेजी सीखें। उसके बाद आप प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को बच्चों के व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ गतिविधि के लिंक भेजते हैं, उसके लिए आपका ये कॉलम है, इसमें विषय लिखेंगे और विषय वस्तु और वीडियो लिंक आप इसमें कॉलम बना लेंगे। अब बात करते हैं सबसे पहले सोमवार की। सोमवार को 19 जुलाई 2021 को सोमवार को 10:30 बजे से 11 बजे, देखिए इसका टाइम तो वैसे कक्षा 6 का 11:30 से 12 है, लेकिन प्रोग्राम डिस्टर्ब हो जाने की वजह से भूगोल 10:30 से 11 बजे तक आया, पृथ्वी के परिमंडल, इसमें भूगोल में आप मात्रा सीधी चढ़ा लीजिए, गलत चढ़ गई है, तो ये आपका DDUP पे प्रोग्राम आया। और आओ अंग्रेजी सीखे में एपिसोड नंबर 43 आया। इसके साथ साथ आपने दो लिंक बच्चों के व्हाट्सएप ग्रुप में प्रेषित किए, हिंदी का लिंक था आप भले तो जग भला, इसका लिंक था https://bit.ly/story222 और गणित का लिंक था बच्चों का पूर्णांक, ये लिंक था https://pit.ly/f1hzz
ZHGJ9SDK, ये लिंक आपका गणित का था। उसके बाद बात करें 20 जुलाई 2021 को मंगलवार को, इस दिन दो क्लास चली कक्षा 6 की, इंग्लिश 11:30 बजे से 11:30 बजे तक चली, जिसमें कबड्डी प्रोग्राम आया और इसके साथ साथ 11:30 बजे से 12 बजे तक भूगोल पढ़ाया गया DDUP पर, और इसका टॉपिक था प्राकृतिक प्रदेश एवं विषुवतीय प्रदेश। ये दो प्रोग्राम आपके 20 जुलाई को आए कक्षा 6 के, और इसके साथ साथ एपिसोड नंबर 44 आओ अंग्रेजी सीखे में आया। उसके बाद 21 जुलाई 2021 को बुधवार को फिर दो प्रोग्राम आए, इतिहास 10:30 से 11 बजे तक, जिसमें दक्षिण भारत टॉपिक पढ़ाया गया, और विज्ञान 11 बजे से 11:30 बजे तक पढ़ाया गया, इसमें भोजन और स्वास्थ्य पढ़ाया गया। ये दो प्रोग्राम आपके DDUP पर आए, और इसके साथ साथ एपिसोड नंबर 45 आपका आओ अंग्रेजी सीखे में आया, और आपने दो लिंक बच्चों के व्हाट्सएप ग्रुप में प्रेषित किए। सामाजिक विज्ञान का लिंक था हमारा सौरमंडल https://bit.ly/solar-system-class-6, और विज्ञान का लिंक था पदार्थों का पृथक्करण https://bit.ly/separation-class-6, ये आपका विज्ञान का लिंक था। उसके बाद 22 जुलाई 2021 को गुरुवार को कक्षा 6 का कोई भी प्रोग्राम नहीं आया, इसलिए मैंने खाली छोड़ दिया है, लेकिन आओ अंग्रेजी सीखे में एपिसोड नंबर 46 आपका आया। उसके बाद 23 जुलाई 2021 को शुक्रवार को कोई भी प्रोग्राम नहीं आया किसी भी क्लास का, तो मैंने नो प्रोग्राम लिखा हुआ है, और एपिसोड नंबर 47 आपका आओ अंग्रेजी सीखे में आया, और इसके साथ साथ इंग्लिश में द मैजिक शो, इसका लिंक था https://bit.ly/magicshowclass-6, ये लिंक आपने बच्चों के व्हाट्सएप ग्रुप में प्रेषित किया, और गणित में पूर्णांक का लिंक बच्चों के व्हाट्सएप ग्रुप में प्रेषित किया, वो लिंक था https://bit.ly/maximumclass-6। उसके बाद 24 जुलाई 2021 को शनिवार को गणित में 10:30 बजे से 11 बजे तक प्रोग्राम आया, सांख्यिकी पढ़ाया गया, और एपिसोड नंबर 48 आया। इसके साथ साथ अपने बच्चों को क्विज का लिंक भेजा, क्विज का लिंक था https://bit.ly/epaathshalaquiz6-8, और उसके बाद 25 जुलाई 2021 को रविवार को कोई भी प्रोग्राम नहीं आया, तो मैंने नो प्रोग्राम लिखा हुआ है, और आओ अंग्रेजी सीखे में एपिसोड नंबर 49 आया। तो इस तरह से ये आपका कक्षा 6 का तीसरे सप्ताह का ई पार्सल रजिस्टर की वीडियो है, इसकी मदद से आप अपने ई पार्सल रजिस्टर को तैयार कर लीजिए, और प्रथम और द्वितीय सप्ताह के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, उन पे क्लिक करके प्रथम द्वितीय सप्ताह को पूरा कर लीजिए। तो साथियों आज की वीडियो में इतना ही, आपको यह वीडियो कैसी लगी, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो पे कमेंट्स करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।